हाय गाइस, हमारे माइंड में हर चीज के लिए एक पर्टिकुलर इमेज बनी हुई है और इन्वेस्टमेंट के केस में भी ये सही है। जैसे कि अगर मैं स्टॉक मार्केट का नाम लूं, तो आपके माइंड में वेरियस स्टॉक्स और शेयर्स के बारे में थॉट्स आ सकते हैं। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी की बात होती है तो हम बिटकॉइन या इथेरियम को इमेजिन करते हैं। सिमिलरली अगर मैं आपसे पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कुछ सोचने को कहूं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? या तो लेटर्स या फिर पोस्टमैन, राइट? पर हमारे इस वीडियो के बाद आपको पोस्ट ऑफिस का एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलने वाला है, विच इज पोस्ट ऑफिस एज एन इन्वेस्टमेंट। जैसे स्टॉक मार्केट में आप वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक उसी तरह पोस्ट ऑफिस की वेरियस इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 9 पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि आपको इनमें कैसे अप्लाई करना चाहिए और फिर इनके बेनिफिट्स के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। गाइस, इंडिया में पोस्ट ऑफिसेज ने अपने ऑपरेशंस की शुरुआत ब्रिटिश राज के दौरान अक्टूबर 1854 में की थी और तब से ही कम्युनिकेशन के इस मीडियम को कई जनरेशंस ने ट्रस्ट और रिलायबिलिटी का एक सिंबल माना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बाय डिस्कसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोस्ट ऑफिस स्कीम्स। एंड द फर्स्ट वन ऑन द लिस्ट इज पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, जो कि बैंक के एक स्टैंडर्ड सेविंग्स अकाउंट की तरह ही फंक्शन करता है। एक पोस्ट ऑफिस में आप सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो उस अकाउंट को आप किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी मूव कर सकते हैं। यहाँ आप किसी माइनर के नाम पर भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इस स्कीम में आपको 4% इंटरेस्ट रिसीव होता है। अंडर सेक्शन 80TTA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इंटरेस्ट अप टू ₹10,000 अर्नड इन अ फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम ऑल सेविंग्स बैंक अकाउंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेबल इनकम। सेकेंड स्कीम इज पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम और POMIS। यहाँ इन्वेस्टर के लम सम इन्वेस्टमेंट पर उसे हर महीने एक फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड की जाती है। मंथली इनकम स्कीम अकाउंट ओपन करने के लिए आपका एक इंडियन रेजिडेंट होना जरूरी है और इस अकाउंट को आप इंडिविजुअली या फिर किसी के साथ जॉइंटली, दोनों ही तरीकों से ओपन करवा सकते हैं। एक माइनर भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है और 10 साल का होने के बाद वो अपने अकाउंट को मैनेज भी कर सकता है। POMIS के अंडर एक इंडिविजुअल के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹1,000 है और मैक्सिमम लिमिट ₹9,00,000 की है, और जॉइंट अकाउंट के केस में ये अमाउंट बढ़कर ₹15,00,000 तक चला जा सकता है। करेंटली आपको हर महीने 7.4% पर एनम का इंटरेस्ट पे किया जाता है, जिसकी मैच्योरिटी 5 साल की होती है। इन्वेस्टर्स भले ही मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, लेकिन इन अकाउंट्स का कंबाइंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹9,00,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जॉइंट अकाउंट के केस में सभी होल्डर्स को इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है। प्रीवियस एग्जाम्पल की ही बात करें तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ 15 लाख की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के साथ एक जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस स्कीम में इन्वेस्टर्स 1 साल के बाद अपने डिपॉजिट्स को विथड्रॉ करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन पहले 3 साल तक उन्हें 2% पेनल्टी देनी होती है और 3 साल के बाद ये पेनल्टी घटकर 1% हो जाती है। इस स्कीम में आप जो मंथली इंटरेस्ट कमाते हैं वो टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट स्कीम इज पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट्स और पोस्ट ऑफिस RDs। यहाँ आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करनी होती है और इस स्कीम का टेन्योर 5 साल का है, जिसमें आपको 6.2% पर एनम का इंटरेस्ट पेमेंट दिया जाता है, जिसकी कंपाउंडिंग क्वार्टर बेसिस पर होती है। अगर आप 5 साल तक हर महीने ₹10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टेन्योर के एंड में आपको ₹1,04,327 मिलते हैं। इस स्कीम में आपको मिनिमम ₹100 इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और उसके मल्टीपल में आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तो हर ₹100 पर आपसे ₹1 की पेनल्टी ली जाती है। पोस्ट ऑफिस RD प्लान में आप माइनर अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट और मल्टीपल अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और अकाउंट ओपनिंग के 1 साल बाद से आप अपने बैलेंस के 50% अमाउंट में से पार्शियल विड्रॉल करना स्टार्ट कर सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस आरडीज पर आपको जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उस पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, लेकिन अपने अपने टैक्स ब्रैकेट के अकॉर्डिंग ही सभी को अपनी इनकम पर टैक्स देना होता है। अगर कोई इन्वेस्टर हर महीने एक प्लान मैनर में रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट रूट से अपने पैसों को बचाना चाहता है तो पोस्ट ऑफिस आरडीज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है। द नेक्स्ट स्कीम इज पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, जहां पर आप वेरियस इन्वेस्टमेंट टेन्योर के बेसिस पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,000 रुपीज है और मैक्सिमम अमाउंट पर कोई लिमिट नहीं है। साथ ही आप इंडिविजुअली या जॉइंटली कितने भी अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं और उन्हें एक से दूसरे पोस्ट ऑफिस ब्रांचेस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जब पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट का टेन्योर पूरा होता है तब आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली ही नए टर्म के लिए रिन्यू हो जाता है, जिस पर आपको लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स ऑफर की जाती हैं। एक साल के टेन्योर के लिए आपको 6.8% इंटरेस्ट रेट मिलता है, 2 साल के टेन्योर पे 6.9%, 3 साल के टेन्योर पे 7% और 5 साल के टेन्योर पे 7.5% इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ इंटरेस्ट आपको एनुअली पे किया जाता है पर कैलकुलेट क्वार्टरली होता है। द नेक्स्ट स्कीम इज किसान विकास पत्र, जिसमें आपको एटलीस्ट 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करने होते हैं और 100 रुपीज के मल्टीपल्स में आप कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई अपर लिमिट नहीं है। किसान विकास पत्र की इस स्कीम में आपको 7.5% की एनुअल कंपाउंड रेट ऑफर की जाती है और लगभग 10 साल के बाद आपके इन्वेस्टेड अमाउंट को डबल कर दिया जाता है। इस स्कीम में आप 3 अडल्ट्स तक का जॉइंट अकाउंट बना सकते हैं। आपके सर्टिफिकेट्स को 2.5 इयर्स की इन्वेस्टमेंट के बाद इन कैश भी करा सकते हैं, जिसके चलते ये सर्टिफिकेट्स रिलेटिवली लिक्विड बने रहते हैं। आपके इन्वेस्ट किए गए प्रिंसिपल अमाउंट पर तो नहीं, लेकिन जो आपको इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है उस पर जरूर टैक्स एप्लीकेबल होता है। ऐसे बिगिनर और स्मॉल इन्वेस्टर्स जो कि दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उनके लिए किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है। आवर नेक्स्ट स्कीम इज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें अप्लाई करने के लिए इन्वेस्टर्स की मिनिमम एज 60 इयर्स होनी चाहिए और अगर कोई पर्सन 55 की एज पर वॉलंटरिली रिटायर हुए हैं तो वो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स रिसीव करने के लिए रिटायरमेंट के 1 महीने के अंदर ही अंदर इस स्कीम में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन उस केस में इन्वेस्टर्स रिटायरमेंट पर रिसीव होने वाले कॉर्पस वैल्यू से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इन्वेस्टर्स अपने इंडिविजुअल नेम पर या अपने स्पाउस के साथ जॉइंट ओनरशिप में मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, पर सभी अकाउंट्स का टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 30 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप 5 इयर्स की मैच्योरिटी पीरियड के साथ 1,000 रुपीज के मल्टीपल्स में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिस पर आपको करंटली 8.2% की एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफर की जाती है। एग्जाम्पल लेकर चले तो अगर आप 30 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हर क्वार्टर एंड में रुपीज 61,500 की पेमेंट की जाएगी। अकाउंट ओपनिंग के बाद आप किसी भी टाइम अपने डिपॉजिटेड अमाउंट से विड्रॉल्स करा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट 2 इयर्स में आपको 1.5% की पेनल्टी देनी होती है और उसके बाद ये पेनल्टी रिड्यूस होकर 1% हो जाती है और 5 साल के बाद जब आपका प्लान मैच्योर होता है तब उसे 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। यह स्कीम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के बेनिफिट्स के लिए क्वालिफाइड है एंड इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन अ ईयर एक्सीड्स रुपीज 50,000 इन ऑल SC/SS अकाउंट्स, द टैक्स विल बी विथहेल्ड एट द सोर्स। आवर नेक्स्ट स्कीम इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड और PPF। 15-year टेन्योर के साथ PPF एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, जिस पर करेंटली आपको 7.1% की कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफर की जाती है। PPF अकाउंट ओपन करने के लिए कोई मिनिमम या फिर मैक्सिमम एज नहीं है, लेकिन इसमें आपको एटलीस्ट 500 रुपीज इन्वेस्ट करने ही होते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1.5 लाख रुपीज होता है। PPF अकाउंट ओपन करने के लिए सिर्फ एक होल्डिंग फॉर्म होता है और अपने सारे ही अकाउंट्स का बैलेंस ऐड करने के बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट कैप से ऊपर जाए बिना एक माइनर के नाम से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैच्योरिटी के 15 साल खत्म हो जाने के बाद आप अपने टेन्योर को एडिशनल 5 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं और जब वो 5 साल एंड हो तब आप नेक्स्ट 5 साल तक अपना टेन्योर एक्सटेंड करवा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के 5 साल के बाद
पार्शियल पीपीएफ विड्रॉल्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन अकाउंट क्लोजर आप सिर्फ हायर एजुकेशन या फिर लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस या फिर आपका स्टेटस एनआरआई हो जाए तो इन केसेस में ही कर सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के सेकेंड ईयर से लेकर फिफ्थ ईयर तक आप लोन फैसिलिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर पीपीएफ अकाउंट में की गई आपकी इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है, बट यू मस्ट डिस्क्लोज इट इन योर इनकम टैक्स रिटर्न। ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपने प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी और टैक्स फ्री रिटर्न चाहते हैं वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स में इन्वेस्ट करना कंसिडर कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट स्कीम इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और NSC। NSC में आपका 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड रहता है, जहां आपको 7.7% की कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट दी जाती है जो कि मैच्योरिटी तक ड्यू रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप NSC में 1 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो अमाउंट 5 ईयर्स के बाद बढ़कर 1,44,903 रुपीज हो जाता है। NSC में आपको एटलीस्ट 1,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करनी होती है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करने पर कोई कैप नहीं होता। ये इन्वेस्टमेंट आप इन मल्टीपल्स ऑफ 100 में कर सकते हैं। NSE सर्टिफिकेट को आप इंडिविजुअली या फिर 3 अडल्ट के जॉइंट होल्डिंग में भी बाय कर सकते हैं। अगर एक माइनर 10 साल से बड़ा है तो वो खुद ही NSE सर्टिफिकेट्स को बाय कर सकता है, लेकिन अगर उसकी एज 10 साल से कम है या फिर अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है तो उसके बिहाफ पर उसके गार्डियन NSE सर्टिफिकेट्स को बाय कर सकते हैं। NSE में की गई आपकी इन्वेस्टमेंट क्वालिफाई होती है इनकम टैक्स एक्ट के 80C डिडक्शन के लिए, और फाइनल ईयर के इंटरेस्ट के अलावा सभी इंटरेस्ट पेमेंट्स को रीइन्वेस्टेड कंसिडर किया जाता है, इसीलिए वो भी टैक्स डिडक्टेबल होती है। इन्वेस्टमेंट पीरियड के दौरान आप NSE सर्टिफिकेट्स को सिर्फ एक बार किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं और कभी भी उन्हें बैंक लोन के लिए एज अ कोलैटरल यूज कर सकते हैं। तो अगर आप एक रिस्क फ्री और टैक्स एफिशिएंट प्लान की तलाश में हैं, तो आपके लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स बेस्ट ऑप्शन है। एंड नाउ आवर लास्ट पोस्ट ऑफिस स्कीम इज सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि इंडिया में गर्ल चाइल्ड की हेल्प करने के लिए स्टार्ट की गई थी। इस स्कीम में करंटली 8% की कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफर की जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना में आप 15 साल तक हर साल मिनिमम 250 रुपीज और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका अकाउंट मैच्योर होने तक इंटरेस्ट अर्न करता रहता है। मैच्योरिटी पर मिलने वाला अमाउंट और आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स दोनों ही टैक्स फ्री होती हैं। सुकन्या समृद्धि योजना की आपकी इन्वेस्टमेंट क्वालिफाई होती है इनकम टैक्स एक्ट के 80C डिडक्शन के लिए। आपकी स्कीम की मैच्योरिटी या तो अकाउंट ओपनिंग के 21 इयर्स के बाद होती है या फिर 18 इयर्स के होने के बाद आपकी गर्ल चाइल्ड के मैरिज के टाइम होती है, और अगर वो गर्ल चाइल्ड इन फ्यूचर NRI बनती है या फिर अपनी इंडियन सिटीजनशिप लूज कर देती है उस केस में उसका अकाउंट क्लोज करना होता है। सिर्फ एक गर्ल चाइल्ड जिसकी एज 10 इयर्स या उससे कम है, उसके पेरेंट्स या अदर लीगल गार्डियंस ही एक सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक गर्ल चाइल्ड के नाम पर सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन किया जा सकता है, और पेरेंट्स अपनी मैक्सिमम 2 लड़कियों के नाम पर 2 अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। पर ट्विन ट्रिपलेट गर्ल्स के केस में 2 से ज्यादा अकाउंट्स ओपन किए जा सकते हैं। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में रिक्वायर्ड अमाउंट को डिपॉजिट नहीं किया जाता है तो आपको 50 रुपीज की पेनल्टी देनी पड़ती है। अपनी हायर एजुकेशन या फिर मैरिज पर्पसेस के लिए सिर्फ वो गर्ल चाइल्ड ही 18 इयर्स की हो जाने के बाद अपने अकाउंट के प्री मैच्योर क्लोजर के लिए अप्लाई कर सकती है। 18 इयर्स की हो जाने के बाद गर्ल्स अपने अकाउंट के 50% बैलेंस को पार्शियली विड्रॉ करने के लिए भी एलिजिबल हो जाती हैं। प्रोसीड्स गर्ल चाइल्ड को दी जाती हैं, जो कि कंप्लीटली टैक्स फ्री होती हैं। नाउ गाइस, लेट्स डिस्कस हाउ टू अप्लाई फॉर अ पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। सबसे पहले इंडियन पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कीजिए, और ये फॉर्म आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर भी ला सकते हैं। इसके बाद नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को फिल करके अपने फॉर्म को कंप्लीट करिए और अपने KYC डॉक्यूमेंट्स के साथ उसे सबमिट कर दीजिए। KYC डॉक्यूमेंट्स में आपको पैन, ड्राइवर्स लाइसेंस, वोटर ID कार्ड और बर्थ डेट के प्रूफ के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे।
ये सब करने के बाद आपको एनरोलमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है, जहां आपसे एक रिक्वायर्ड डिपॉजिट लिया जाता है जो कि स्कीम के अकॉर्डिंग वेरी करता है। नाउ लेट्स डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स। पहला है सिंपल इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर, जो कि ये इंश्योर करता है कि ये सेविंग्स प्लान सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहे, और एडिशनली आपको इन प्लान्स पर फिक्स रिटर्न्स ऑफर किए जाते हैं जो कि गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं। इन प्रोग्राम्स को आप काफी इजीली ज्वाइन कर सकते हैं और इनमें आपको मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। द सेकेंड बेनिफिट इज इजी एक्सेसिबिलिटी। पोस्ट ऑफिसेस की नेशन वाइड प्रेजेंस होने के चलते रूरल और अर्बन दोनों ही इन्वेस्टर्स इन स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दी स्कीम्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसके कारण रूरल पॉपुलेशन भी इन स्कीम्स का फायदा उठा सकती है। द थर्ड बेनिफिट ऑफ पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम इज देयर लॉन्ग टर्म एडवांटेज। पोस्ट ऑफिस स्कीम्स लॉन्ग टर्म और फ्यूचर फोकस्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसकी मेच्योरिटी 15 ईयर्स तक की होती है, विच मेक्स इट वन ऑफ द बेस्ट रिटायरमेंट और पेंशन प्लान्स। इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर्स रिस्क फ्री रिटर्न्स की गारंटी तो लेते ही है, साथ ही उनका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई होता है। फोर्थ बेनिफिट इज कंपीटेंट एंड रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट्स। पोस्ट ऑफिसेस जो सेविंग्स प्लान ऑफर करते हैं उनके इंटरेस्ट रेट्स 4% से 8% तक वेरी करते हैं, और साथ ही ये प्लान गवर्नमेंट रेगुलेटेड होते हैं, जिससे कि रिस्क का खतरा काफी कम हो जाता है। Now let's talk about the last benefit of post office investment programs, which is customized products. Indian post offices har grade level ke investors ke liye different investment products offer karte hain, jo ki investors ke tax implications, expected returns aur investment horizon ke hisab se vary karte hain. Isse ultimately investors ko hi benefit hota hai. So guys, that was all about post office saving schemes. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहेंगे। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा YouTube चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।